स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सिविल गुरुजी में, जिसमें बात करते हैं कंप्लीटली सिविल इंजीनियर्स के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों की लर्निंग बढ़ाने के लिए हम YouTube पर डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। हमारे सभी ट्रेनर्स जो कि आप लोगों के लिए डेली वीडियो अपलोड करते हैं, मिनिमम दो वीडियो डेली हमारी अपलोड होती है। तो दोस्तों आज भी मैं आप लोगों की डिमांड पर, जैसा कि प्रीवियसली मैं एक वीडियो लेकर आया था जिसमें हमने बात करी थी बिल ऑफ क्वांटिटी के बारे में, बिल ऑफ क्वांटिटी का साइट क्लीनिंग का पॉइंट मैंने आप लोगों को क्लियरली समझाया था। सेम उसी तरह से जैसा कि वीडियो में मैं आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि और भी टॉपिक मैं कवर करूंगा सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। साथ में यदि आपको ये बिल ऑफ क्वांटिटी टॉपिक बहुत अच्छा लगता है और टॉपिक के बारे में और सुनना चाहते हैं तो लाइक्स के सहारे आप मुझे बता सकते हैं। जितने ज्यादा आपके लाइक आएंगे उतना ज्यादा मैं समझूंगा कि आपको ये टॉपिक्स के रिगार्डिंग और वीडियो चाहिए। और साथ में कमेंट तो करना पड़ेगा ही आपको, कमेंट में बताइए बिल ऑफ क्वांटिटी टॉपिक कैसा लगता है आपको, क्या समझ में आता है आपको बिल ऑफ क्वांटिटी टॉपिक जो मैं यहां पर आपको क्लियरली समझाता हूं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और आज के वीडियो यहां पर हम समझेंगे कि जो हमारा सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसको DSR मतलब दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट, जो कि ऑल ओवर इंडिया वैलिड होते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो रेट निर्धारित होते हैं, हम यदि वर्क कर रहे हैं फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में वर्क निकाला हमारे CPWD का काम है वो महाराष्ट्र के अंदर, तो हमें जो SOR यूज करना पड़ेगा वो दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट, यहां पर हमें रेट फॉलो करने पड़ेंगे। जो भी वहां पर रेट दिए गए हैं वो रेट आपको फॉलो करना है। रेट इसका रेट एनालिसिस के ऊपर भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आप जाकर देख सकेंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका कंप्लीट लिंक भी दे रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो कंप्लीटली लेकर आया हूं कि एक्सकवेशन रेट किस हिसाब से मिलता है हमको और कितना डेप्थ तक हम एक्सकवेशन करके रेट निकाल सकते हैं अपने लिए, या एक्स्ट्रा रेट क्या मिलेगा, एडिशनल कॉस्ट क्या होगी, उसके बारे में कंप्लीटली जानेंगे आज के वीडियो में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो, लेकिन स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको कंप्लीटली सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से रिलेटेड यदि आपको और वीडियो चाहिए तो दोस्तों आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ही पड़ेगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों प्रीवियस लेसन में आप लोगों ने देखा था कि बिल ऑफ क्वांटिटी हमने बनाया था साइट क्लीनिंग वाले पार्ट का, और साइट क्लीनिंग वाले पार्ट का यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में तो लिंक दिया गया है, लेकिन उससे पहले आप अब यहां पे समझिए कि एक्सकवेशन का रेट हम किस तरह से लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहां पे सेकंड नंबर डाला, अब हम चलते हैं यहां पर गवर्नमेंट SOR में, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट, DSR को फॉलो करेंगे। और DSR में हमें जाना है यहां पर कि किस तरह से हमें एक्सकवेशन का रेट दिया गया है। तो यहां पर जो हमें क्लॉज है उस क्लॉज में पहुंचना पड़ेगा, तो यहां पर मैं सर्च करता हूं सबसे पहले क्लॉज। तो दोस्तों मैं यहां पर क्लॉज में पहुंचा, यहां पर क्लॉज लिखा हुआ है 2.8, और 2.8 क्लॉज में क्या दिया हुआ है हमको कि अर्थवर्क इन एक्सकवेशन बाय मैकेनिकल मींस, हाइड्रोलिक एक्सकवेटर या मैनुअल मींस। एक्सकवेशन या तो मैं अपना मैनुअल मींस से कर सकता हूं या फिर मैं JCB वगैरह से कर सकता हूं, ये टोटली डिपेंड करता है ईज ऑफ कॉन्ट्रेक्टर पर। अब दोस्तों यहां पर मैं आगे पढ़ता हूं तो लिखा हुआ है यहां पर फाउंडेशन ट्रेंचेस और ड्रेन नॉट एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन विड्थ एंड 10 स्क्वायर मीटर ऑन अ प्लान, इंक्लूडिंग ड्रेसिंग ऑफ द साइड एंड रैमिंग ऑफ बॉटम लिफ्ट अप टू 1.5 मीटर। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये 1.5 मीटर, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। इंक्लूडिंग गेटिंग आउट ऑफ एक्सकवेटेड सॉइल एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस एक्सकवेटेड सॉइल एज डायरेक्टेड विद इन अ लीड ऑफ 50 मीटर। तो ये कह रहा है ऑल काइंड ऑफ सॉइल, मतलब किसी भी तरह की सॉइल पर आप एक्सकवेट कर रहे हैं तो आपको यहां से रेट मिलेगा 252.30 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। लेकिन अगर सॉइल नहीं है, वहां पर आपके रॉक्स हैं या हार्ड रॉक वहां पे आ गए आपके, तो क्या लिखा है 2.9 में, एक्सकवेशन वर्क बाय मैकेनिकल मींस, चाहे वो मैनुअल हो या मशीन से हो। इसके बाद यहां पर लिखा है फाउंडेशन ट्रेंचेस और ड्रेन्स नॉट एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन विड्थ और 10 स्क्वायर मीटर ऑन प्लान, इंक्लूडिंग ड्रेसिंग ऑफ साइड्स, मतलब जो एक्सकवेशन करेंगे तो उसके साइड में आपको ड्रेसिंग करवानी है, रैमिंग ऑफ बॉटम लिफ्ट अप टू 1.5 मीटर, मतलब वही सेम 1.5 मीटर तक का लिफ्ट, इसके बारे में अभी डिटेल में डायग्राम से समझाऊंगा आप लोगों को। इंक्लूडिंग गेटिंग आउट ऑफ एक्सकवेटेड सॉइल एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस एक्सकवेटेड सॉइल एज डायरेक्टेड विद इन अ लीड ऑफ 50 मीटर। देखिए दोस्तों यहां पे तीन हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, ऑर्डिनरी रॉक, हार्ड रॉक रिक्वायरिंग ब्लास्टिंग और हार्ड रॉक विदाउट ब्लास्टिंग। मतलब कि जब ऑर्डिनरी रॉक होगा मेरे पास उसके लिए हम 448.15 रुपए क्यूबिक मीटर मिलेगा। अब मुझे हार्ड रॉक मिला जहां पर मैं इजीली डायनामाइट लगा के ब्लास्ट कर सकता हूं, ब्लास्ट करने से क्या होगा इजीली पत्थर ब्रेक हो जाएगा और वहां पर लेबर को कम मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों मान लीजिए कोई सिटी है और सिटी में मैं क्या ब्लास्टिंग कर सकता हूं, बिल्कुल नहीं कर सकता ब्लास्टिंग, तो मुझे क्या करना पड़ेगा वहां पे लेबर लगानी पड़ेगी। अब लेबर लगाना पड़ेगा तो ज्यादा मेहनत लगेगी वहां पर, लेबर की कॉस्ट तो 1080.55 रुपीज पर क्यूबिक मीटर यहां पर रेट दिया गया है। इन
इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैं रेट एनालिसिस बहुत जल्दी लेकर आऊंगा, जिस तरह से मैंने प्रीवियसली आप लोगों ने देखा था साइट क्लीनिंग के ऊपर रेट एनालिसिस के एक वीडियो अपलोड की थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, ऐसा ही सेम रेट एनालिसिस का वीडियो मैं इन सभी टॉपिक्स के लिए भी लेकर आऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे 2.8 और 2.9 में एक बात कॉमन है, ये 1.5 मीटर का लिफ्ट और 50 मीटर लीड। तो इसका मतलब हम समझते हैं यहाँ पर कि ये क्या है एक्चुअल में। तो दोस्तों आप लोग ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में एनजीएल मतलब नेचुरल ग्राउंड लेवल है। अब इस नेचुरल ग्राउंड लेवल से हम बिलो द ग्राउंड लेवल हम जा रहे हैं यहाँ पर 2.1 मीटर, जो कि हम बिलो द ग्राउंड लेवल जा रहे हैं। आप लोगों को जो 1.5 मीटर का जो डेप्थ दिया है उसका मतलब है कि 1.5 मीटर तक का ये अलाउ करेगा केवल यहाँ पर। आप जो बिल में कंप्लीट बिल में क्लेम करेंगे वो केवल 1.5 मीटर तक का क्लेम कर सकते हैं, उसके आगे जो आपने जितना भी एक्सकवेट करेंगे उसका आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट बाद में क्लेम करना हो रहेगा। लेकिन 1.5 मीटर के लिए हम यहाँ पर डाटा लेंगे। और जो 50 मीटर लीड लिखा था, तो 50 मीटर लीड का मतलब है कि 50 मीटर तक आप इसको जो आप एक्सकवेट कर रहे हैं सॉइल को या रॉक को, उसको 50 मीटर तक आप दूर ले जाने के लिए आपको इतना पैसा क्लेम करने में यहां पर मिल रहा है ये। तो दोस्तों मैं मानता हूं कि यहां पर मेरे पास जो सॉइल दी गई है मेरी साइट पर, वो जो केवल सॉइल है, किसी भी तरह का यहां पर रॉक नहीं है, हार्ड रॉक नहीं है यहां पर, ऑर्डिनरी रॉक नहीं है, तो मैं केवल इसी पार्ट को यहां पर क्लेम करता हूं। तो 2.8 पार्ट को पहले मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। देखिए यहां से सेलेक्ट किया मैंने, और सेलेक्ट करने के बाद यहां पे कंट्रोल के साथ सी प्रेस किया, देन यहां पर आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहां पर आकर तो करूंगा मैं रैप टेक्स्ट, और यहां पर लिख दूंगा मैं जो कोड था मेरे पास 2.8 कोड। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने एक चीज देखा कि 2.8 कोड में किसी भी तरह का रेट नहीं दिया। तो रेट कहां दिया, 2.8.1 में, जो इसका सब हेडिंग पार्ट है। तो 2.8.1 को मैं यहां से कॉपी करता हूं, 2.8.1 को मैं यहां पे कॉपी करके यहां पे लिखा 2.8.1 और यहां पर आकर कर दिया मैंने पेस्ट। अब देखिए ये कह रहा है यहां पर क्वांटिटी क्या होगी। देखिए दोस्तों यहां पर हम 1.5 मीटर की बात कर रहे हैं, 1.5 मीटर की क्वांटिटी। तो दोस्तों 1.5 मीटर की क्वांटिटी के लिए यहां पर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर जो मेरे पास एस्टिमेशन शीट है जो मैंने यहां पर पहले से सॉल्व आउट की हुई है, इस एस्टिमेशन शीट से मैं यहां पर डाटा लेके आता हूं। जैसे कि यहां पर लिखा है एक्सकवेशन, मैंने यहां पर लिख दिया 1.5 1.5, ये मैंने पहले से सॉल्व आउट किया हुआ है इस केस को। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि कोई फुटिंग है उसके हिसाब से यहां पे हमने एक्सकवेशन कर दिया, और एक्सकवेशन का क्यूबिक मीटर में 130.68 क्यूबिक मीटर आया है। तो इस 130 जो यहां पर दी हुई है क्वांटिटी, 130.68 हम यहां लिखेंगे, यहां पर लिखा मैंने क्यूबिक मीटर, क्योंकि रेट हमें किसमें मिलेगा, क्यूबिक मीटर में मिलेगा। कितना रेट, तो वो मिला 252.30। तो 250 यहां पर लिखा मैंने 252.30। अब क्या करना है मुझे, इक्वल्स टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट। अब यहां पर जो रेट निकला ये निकला मेरा 32,970 रुपए। तो किस चीज का रेट है मेरा, इस 1.5 मीटर तक के यहां पर एक्सकवेशन करने का रेट है। लेकिन उसके नीचे जो 0.6 वाला जो पार्ट दिया हुआ है, ये जो पार्ट है 0.6, इस पार्ट के लिए हम करेंगे क्या, अब फिर से हमें जाना है एसओआर में। अब देखना हमको कि एक्स्ट्रा कॉस्ट क्लेम कहां कर सकते हैं हम एसओआर के अंदर। तो मैं यहां पर फिर से एसओआर ओपन करता हूं, देन नीचे आते हैं यहां पर, तो कहीं पर हमें लिखा हुआ मिलेगा कि एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ एडिशनल, देखिए क्या लिखा है 2.26 में, एक्स्ट्रा फॉर एवरी एडिशनल लिफ्ट ऑफ 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर के बाद जो एडिशनल लिफ्ट करेंगे उसका रेट हमें यहां पर दिया गया है। तो मैंने पहले तो 2.26 को कॉपी किया, यहां पर 2.26 लिखा इधर, देन यहां पर आकर करा मैंने पेस्ट और इसको कर दिया रैप टेक्स्ट। लेकिन 2.26 में किसी भी तरह का रेट नहीं दिया हुआ, रेट दिए हुए इसके सब पार्ट में। अब देखिए यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि आपने सॉइल में एक्सकवेशन करा या ऑर्डिनरी या हार्ड रॉक में। तो हमने जैसा कि आपको पता है कि ऑल काइंड ऑफ सॉइल हम लेते हुए चल रहे हैं, तो मैंने ऑल काइंड ऑफ सॉइल यहां पर इनपुट किया और यहां पर लिख दिया मैंने 2.26.1 और यहां पर आकर कर दिया मैंने पेस्ट। अब इसके बाद क्वांटिटी क्या होगी, देखिए दोस्तों क्वांटिटी होगी जो हमने यहां पर, जैसे क्वांटिटी की मैं बात करूं तो यहां पर जाना पड़ेगा मुझे एस्टिमेशन शीट में, कितना क्वांटिटी बचा हुआ है। देखिए 2.1 था टोटल, इस 2.1 में हमने 1.5 में क्या कर दिया, एक्सकवेशन कर दिया, बचा कितना 0.6 बचा हुआ है हमारा। तो 0.6 में हम क्या करेंगे, यहां पर एक्सकवेशन करेंगे। तो इस 0.6 क्या हमारी हाइट हो जाएगी यहां पर, यहां पर तो मैंने लिखा यहां पर 0.6, देन यहां पर भी 0.6 पहले से फॉर्मूला लगाया हुआ, तो आंसर ऑटोमेटिकली आ गया यहां पर हमारा, तो 52.272 क्यूबिक मीटर। तो यहां पर लिखूंगा मैं जाकर 52.272 क्यूबिक मीटर, तो मैंने यहां पर क्यूबिक मीटर लिख दिया यहां पर। देन अब रेट क्या होगा, तो दोस्तों यहां पर बहुत ध्यान से समझिए आप क्या लिखा है। रेट में लिखा है ऑल काइंड ऑफ सॉइल में 90.40 रुपए क्यूबिक मीटर। लेकिन आप लोग एक चीज देखेंगे, अभी हम जब 2.8 सॉल्व कर रहे थे तो वहां पर लिखा होता 252.30, ये तो कम हो गया, मतलब वो है एडिशनल कॉस्ट, ये तो हमें मिलेगी। लेकिन इसके अलावा वो वाला पार्ट भी हमें क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। तो हम क्या करेंगे यहां पर, इक्वल्स टू प्रेस किया, 252.30 ये तो हमें पहले से मिल रहा था, इसमें हमने ऐड कर दिया 90. एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कितना रेट था 2.26 कोड में हमारा।
तो यहां पर देखा हमने जाकर 90.40, तो 90.40 मैंने ऐड कर दिया, तो एंटर करा यहां पर 342.7 इक्वल्स टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट दैट इज कॉल्ड अमाउंट। तो इतना अमाउंट हमें मिलेगा किसमें, एक्सकवेशन करने में। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों दो क्लॉज में हमें इसको क्या करना पड़ता है, सॉल्व आउट करना पड़ता है। अब ये कब तक के लिए, डेढ़ मीटर से आगे का यहां पे हमने सॉल्व आउट किया। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कंप्लीटली समझा कि बिल ऑफ क्वांटिटी पार्ट एक्सकवेशन के लिए, इस पूरे एक्सकवेशन के लिए दो पार्ट में क्यों डिवाइड करते हैं कि डेढ़ मीटर तक का क्लॉज अलग दिया हुआ, 0.6 का अलग दिया हुआ था, क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा कॉस्ट मिल रही है हमको। किस लिए, क्योंकि जितना मैं नीचे जाता हूं अपने सॉइल में उतना ज्यादा हार्ड स्ट्रेटा ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से लेबर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट यहां पर प्रोवाइड होती है। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने किस तरह से हम अपने क्लॉज को यहां पर मेजर करते हैं और एमबी बुक में और अपने बिल ऑफ क्वांटिटी शीट में इसको मेजर करके हम लिखते हैं किस तरह से। ये जो क्लॉज है इस तरह से हम सभी आइटम्स को, जितने भी हमारे बिल्डिंग में लगने वाले कंपोनेंट हैं, इसी तरह से हम दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स या गवर्नमेंट एसओआर रीड आउट करने के बाद ये कंप्लीटली अपने बिल ऑफ क्वांटिटी में लिखते हैं। और ये क्लॉज में जो डाटा छिपा होता है, जैसे कि आज मैंने कंप्लीटली आप लोगों को बताया कि 1.5 मीटर के बाद एडिशनल कॉस्ट लेते हैं, ये कंप्लीटली डिटेल वाइज हमारा कोर्स अवेलेबल है जिसमें हम ये सभी तरह के टॉपिक्स को कवर अप करते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब। तो दोस्तों बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।